जगन्नाथ नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पता है आज का वीडियो क्या आने वाला है? हाँ, आज का वीडियो होने वाला है माय ऑल डॉल कलेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डॉल कौन सा है जो मुझे पकड़ते पकड़ते मेरा मुंह छुप जाता है? अरे बाप रे, मेरा बिग डॉल आ गया। ये है मेरा बिग डॉल, मेरा प्यारा है। मेरा मुंह छुप जाएगा, देखना है? मेरा मुंह छुप गया ना। अभी इसको कुछ बोलना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डैडी। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं हूँ बिग डैडी। हाँ फ्रेंड्स, बहुत गोलू मोलू तुम। कितना गोलू मोलू है ना फ्रेंड्स। जब मैं स्टैंडर्ड फोर्थ में थी ना, तब मुझे मिला था और मैंने इसे कुछ वीडियो में यूज भी किया है। इस डॉल को है ना अच्छा, मेरा फेवरेट डॉल है। और बस इसका नाम पता है आपको? बहुत फनी नाम है, बेन। मुझे बेन पसंद नहीं है, पर मेरी प्यारी सुहानी दीदी मुझे बुलाती है इसलिए मुझे पसंद है। ओके, तो ये मेरे अगर मैं उसे बेन बोलूंगी तो चलेगा, पर और कोई बोलेगा तो गुस्सा हो जाता है। ओके, मैं तुम्हें बेन बुलाऊंगी, अब तुम्हें फ्रेंड जॉल बुलाएंगे। ओके, अब तुम साइड में बैठो। तुम्हारे दोनों फ्रेंड कहाँ चले गए? वो तो नीचे हैं। ओके, तुम अभी नीचे जाओ। ओके फ्रेंड्स, आप बताना मेरा बिग डैडी बेयर आपको कैसा लगता है। ओके, तुम तुम्हारे फ्रेंड को भेजो। ओके, मैं इसे नीचे रख देती हूँ। हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम बहुत फेवरेट हैं हमारी सुहानी दीदी के। फ्रेंड्स, ये जुड़वा भाई हैं इसलिए मेरे फेवरेट है। आपको पता है इनका नाम क्या है? मैं बोलूंगा मेरा नाम है गोलू, मेरा नाम है मोलू। फ्रेंड्स, मेरा फिश का भी नाम गोलू और मोलू है और मैंने मेरे टेडी का भी नाम गोलू मोलू दे दिया, पर पता नहीं गोलू कौन है मोलू कौन है, किसको भी बुला देती हूँ। हम भी सुन लेते हैं, हमको भी नहीं पता कि गोलू कौन है मोलू कौन है। फ्रेंड्स, ओके, तुम दोनों भाई अभी तुम्हारे फ्रेंड के पास जाओ, खेलो, मुझे और भी डॉल्स को बुलाना है। ओके फ्रेंड्स, हमको बताना हम दोनों कैसे लगते हैं, हम दोनों जुड़वा भाई। ओके, हम चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये मुझे कब मिले थे पता है? ये मुझे क्लास सेकंड में मिले थे, ये मेरे फेवरेट डॉल है तब से ही। बाय बाय, अब तुम दोनों वहां पे जाकर बैठो। ओके। सो फ्रेंड्स, आपने तो मेरे प्यारे प्यारे मोटू मोटू टेडी को देख लिया और दो जुड़वा भाई को देख लिया। अब है बारी मेरे बार्बीज को दिखाने की। चलो अभी देखते हैं मेरे फर्स्ट बार्बी कौन है। पर फ्रेंड्स, मेरे जो बार्बीज है ना उसमें से एक केन वाला भी है, मैं आपको केन दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है केन, यानी मेरे पास ना, मैंने तो कपल डॉल में अनबॉक्स किया था और फ्रेंड्स मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, तो मुझे इसे ये भी मेरा फेवरेट बन गया है। ये कुछ बोलना चाहता है। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स मेरा नाम केन है, आपको ऐसा लग रहा है मेरा नाम? फ्रेंड्स, आप मेरा नाम बताना, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था, मुझे सबका पसंद आया, बस मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा नाम चेंज कर लूँ, पर आप मुझे अभी भी बताना कि मेरे ऊपर कौन सा नाम सूट करेगा। ओके ना फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तुम्हें जरूर बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर नाम कौन सा सूट करेगा। ओके, अब तुम वहां पे बैठ जाओ। फ्रेंड्स, अभी तो हमने केन को देख लिया, बाकी सब मेरे पूरे बार्बीज है। मेरे पास छोटे छोटे बार्बी है और बड़े बड़े बार्बी है, तो हम लोग पहले छोटे बार्बी से स्टार्ट करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये है मेरी पहली छोटी बार्बी, ये बहुत क्यूट है। वैसे मैंने प्रिंसेस एंड पेट वाले टॉय में तो अनबॉक्स कर लिया था, तब से मेरी फेवरेट बन गई है। इसका जो ड्रेस है मुझे बहुत पसंद आता है। और आपने एक चीज देखा था ना, क्या हुआ था इसके साथ? बार बार बात करके गुस्सा हो जाएगी। बहुत फनी है, मैं तो इसके साथ अक्सर ऐसे करते रहती हूँ। चलो मैं हंस उसका कट कर लेती हूँ, फिर इसको निकाल लेती हूँ। वैसे इस वीक के ऊपर ही अच्छी लग रही है ये। ये कुछ बोलना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा बाल निकल गया तो क्या हुआ? मैं सुंदर हूँ ना, मेरा ड्रेस कितना सुंदर है, आप तो मेरे फेवरेट फ्रेंड्स हो ना, मुझे नहीं चिढ़ाना। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट बार भी है डॉग पेन, एना और एल्सा, ये दोनों एक बहन है। देखो फ्रेंड्स, ये एल्सा
और ये एना, ये मेरी फेवरेट है। ये दोनों बहन है और मस्ती करते बड़े अच्छे हैं। ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, हम दोनों बहने हैं। हम आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में बताना। आपको पता है सुहान दीदी ने हम दोनों के लिए न्यू ड्रेस लाया है, आपको कैसा लग रहा है हमें बताना जरूर। फ्रेंड्स, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड को थी ना, तब मुझे आना और एल्सा ये वाली डॉल मिली थी। मैंने इनका ड्रेस थोड़ा अभी अभी चेंज किया क्योंकि उनका ड्रेस थोड़ा पुराना हो गया था, तो ऐसा वाला ही ड्रेस ना मिल रहा था, तो मैंने उन्हें पहना दिया। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट डॉल देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे लिटिल छोटे वाले बार्बी, कितने छोटे है ना ये ना। फ्रेंड्स, ये वाली गर्ल बार्बी है। मैंने इसकी थोड़ी हेयर कट कर ली थी क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहती थी ना, इसलिए। ये बैठ भी सकती है और फ्रेंड्स इसके हाथ भी मूवेबल है ना। अच्छा, वाह। और ये है लड़का वाला, और फ्रेंड्स ये बैठ सकता है और इसका हाथ भी फोल्डेबल है। अच्छा है ना। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट बार्बी देखते हैं। ये भी दोनों सिस्टर है, देखो ये मेरे ट्विन सिस्टर्स है। इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था। वैसे इनका जो वीक है ना, मैंने अलग अलग पहना है क्योंकि थोड़ा सा हमको कैसे पता चलेगा एक ये है और एक ये है। मैंने वैसे दोनों का नाम तो मैं कुछ भी रख लेती हूँ, कभी टीना रख लेती हूँ, कभी शीना रख लेती हूँ, कुछ भी रख लेती हूँ, मुझे याद ही रहता क्योंकि दोनों ट्विन्स है ना, इसलिए। चलो अभी हम लोग इसे रख देते हैं और हम लोग देखेंगे बड़े बड़े बार्बी। फ्रेंड्स, ये है मेरी फर्स्ट बिग बार्बी। इसका नाम क्या है पता है आपको? इसका नाम है शीना। अच्छा नाम है ना। फ्रेंड्स, ये पहले थोड़ी मॉडर्न टाइप थी बट मैंने इसे हाउस में बना दिया। इसने ना शेफ का ड्रेस पहना था तो मैंने सोचा कि इसको मैं हाउस में बना दूं। मैंने तो मैंने जैसे सिंदूर लगा दिया था, टीका लगा दिया था, फिर मैंने सोचा कि ये तो अच्छी लग रही है, इसको ये बना देते हैं। और तब से मैंने इसे हाउस वाइफ बार्बी बना दिया। और मैंने इसे एक इयर रिंग्स पहना कर रखे हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारे इयर रिंग्स थे पर इसके ऊपर ये वाले इयर रिंग्स बहुत अच्छे सूट करते हैं। वाह, ये आपको कुछ बोलना चाहती हैं? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शीना, मैं हूँ हाउस वाइफ गर्ल। आपको पता है मैं कितना काम करती हूँ? सुहानी दीदी से भी बहुत काम करती हूँ, जो आज ही है। उसे नहीं बताना। ओके बार्बी, मैंने सुन लिया तुम मुझे आलसी बोल रहे हो। ओके, मैंने तुम्हें एक नया ड्रेस दिया, नया इयररिंग्स दिया, तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तुम रोने लगोगी। ओके, अभी तुम साइड में बैठो, मुझे इतने सारे बार्बी दिखाने, तो तब से बोल रहे हैं मुझे दिखाओ। पर तुम मेरी फेवरेट बार्बी हो इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया। अब तुम वहां पे बैठो। ओके, अभी हम लोग इसे बिठा देते हैं वापस। फ्रेंड्स, ये टू बार्बी भी थोड़े बहन है टाइप है। इन दोनों की शादी हो गई है इसलिए मैंने इसे सिंदूर लगा दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स, ये ना मतलब फोन से भी बार्बी होते हैं, इनको और कोई नाम होता है पर मैंने और ही कुछ कर लेती हूँ। चलता है यार, मैं मेरी बार्बी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। इट्स ओके, ये फिलहाल तो कुछ बोला नहीं चाहते पर आप मुझे बताना कि मेरी बार्बी आपको कैसे लग रहे हैं। ओके, मजा आ रहा है ना आपको वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। हाँ, ऐसे मत जाना। अभी हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट बार्बी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी दो डॉल, ये बहने नहीं है पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रेंड्स मेरी ना मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मिला था और ना मैं इसे वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और मुझे बहुत फ्रेंड्स बोल रहे थे कि इन्हें टकला क्यों किया आपने, ये तो बालों में सुंदर लगती थी। तो फ्रेंड्स, मेरा एक रीजन है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या करनी, मैंने मुंडन करने गई थी और मेरे ये दो जो बार्बीज है ना वो मेरी सबसे फेवरेट थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मेरा मुंडन हो गया तो इनका भी कर लेती हूँ क्योंकि ये भी मेरी फेवरेट बार्बी है। तो मैंने इनका भी टकला कर दिया। तो यही रीजन है क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे, तो यही रीजन है मैंने इनको टकला क्यों किया। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे इसे टकला मैंने क्यों किया। मुझे पता नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलने वाली हूँ, मुझे काम आएगा ये बार्बी, इसलिए यही रीजन था मेरा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट बार्बी। फ्रेंड्स, ये है मेरी जैस्मिन बार्बी, मैंने इसका नाम ही जैस्मिन रख दिया। और ये ऐसी बार्बी जो कॉलेज जाती है, मेरे जितने भी बार्बी दिखाना वो कॉलेज में जाते हैं क्योंकि शादी हो गई। ये बार्बी मेरे याद की ना बार्बी कॉलेज में जाती है। ये आपको कुछ बोलना चाहती है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैस्मिन बार्बी। आपको पता है मेरी जितने भी जो फ्रेंड बार्बी है ना, उन्होंने ना उनकी तो शादी हो गई है। वैसे मेरी भी शादी होने वाली है, वो लोग बोले कि तुम्हारा भी शादी करा देंगे अगर तुम अच्छे से जॉब नहीं करोगे। ठीक है, पर मैं तो अच्छा जॉब करती हूँ भैया, मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे तो आपको यही बताना था। हाँ, मुझे बताना मेरा लुक कैसा है, सबसे ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना मैं सबके सामने, बालों के लिए और मेरे फेशियल
के लिए बहुत फेमस हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे स्पेशल बार भी है क्योंकि मुझे आई थिंक मुझे 4th स्टैंडर्ड में मिला था, इसलिए थोड़ी सी क्लीन लेना है। फ्रेंड्स, आपको पता है इसका जो हेयर है ना, इसको मुझे भी बहुत पसंद आता है और इसको भी बहुत पसंद आता है, इसलिए वो सबको बोलती रहती है मेरा मुँह अच्छा है और मेरा बाल अच्छा है। ओके, और इसकी ड्रेस भी बहुत अच्छी है, और ये प्लास्टिक है बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी तक अच्छी है। फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट बार भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी नेक्स्ट बार भी, ये मुझे इतना खास नहीं पसंद आता क्योंकि मैंने जितने भी बार्बी देखी ना वो बैठते हैं पर ये बैठ नहीं सकती। मैं ना क्या करती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ तो ये बहुत मुश्किल से बैठती है, पर ऐसे हो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं इसको मारती हूँ। ओके, इट्स ओके, मुझे बार्बी तो भी पसंद आती है, इसके इतने छोटे हेयर्स क्यों हैं। फ्रेंड्स, ये ना मुझे बार्बीज पसंद आती है पर ये मुझे इतना पसंद नहीं आता, पर इट्स ओके, ये मुझे पसंद थोड़ी थोड़ी आती है। ओके ना, ये दुखी हो जाएगी अगर मैं नहीं खोलूंगी तो। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट बार्बी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी नेक्स्ट बार्बी, ये बहुत क्यूट है। फ्रेंड्स, इसकी तो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई थी ना, इसके हेयर थोड़े लंबे थे, मैंने इसे कट कर लिया, मैंने इसको टकला नहीं किया है, मैंने इसे टकला नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसके बाल थोड़े हाफ किए हैं। फ्रेंड्स देखो, ये क्योंकि हाफ हेयर इसमें थोड़ा क्यूट लगती है, इसलिए इसके बाद क्यूट ड्रेसेस आए थे, बट ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आता है। देखो ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ, ये मेरी ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स, ये जब ऐसा वाला ये पीस ना, ये ड्रेस थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्लास्टिक वाला ड्रेस है, जॉइंटेड ड्रेस है, तो हम इसे निकाल सकते हैं, पहना सकते हैं, ये बैठ नहीं सकती। मैं दूसरा कॉटन का ड्रेस पहनते तो बैठ सकती है, प्लास्टिक का है ना तो इसे बैठ नहीं सकती। मेरी बार्बी, तो कुछ बोलना चाहती हो बार्बी? नहीं बोल रही है मुझे तो। अभी हम लोग दिखाते हैं नेक्स्ट, जो है मेरा लास्ट बार्बी। फ्रेंड्स, ये भी है मेरी नेक्स्ट बार्बी, ये मुझे क्यों पसंद आता है आपको पता है? इसका खास, ये एक तो फोल्डेबल है इसका जो हैंड है और वो, और फ्रेंड्स ये एक बात है कि सब जितने भी बार में मैंने आपको देखा ना, किसके भी हेयर ब्लैक नहीं है, इसके ही ब्लैक है, इसलिए मुझे थोड़ी इंडियन लगती है। और ये जो मैंने आपको जैस्मिन कार्ड दिखाया वो ना इसके जैसे कॉल लग जाती है। देखो कितनी अच्छी बार है मेरी, तुम कुछ बोलना चाहोगी? नहीं, ये कुछ बोलना नहीं चाहती। फ्रेंड्स, मैंने तो आपको मेरे पूरे डॉल्स दिखा दिया, तो आप तो एक ही देख रहे होंगे, पर टोटल पूरे को अच्छे से देख लीजिए। बाय बाय।